इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के खारी बावली इलाके में ही मौजूद हैं और जिस वक्त मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये नया बांस कहलाया जाता है और यहाँ पर पान की मंडी है जहाँ पर पान जो है बिकते हैं और थोक विक्रेता और जो यहाँ पर बड़े तादाद में जो व्यापारी हैं वो पान के यहाँ पर रहते हैं। आपको एक इसमें ख़ास जानकारी हम ये देना चाहेंगे कि जैसे पान मार्केट है या पान मंडी कहा जाता है तो पान मंडी नाम से जगह जो है वो सदर बाज़ार में पड़ती है लेकिन वहाँ पर पान नहीं बिकते हैं। अगर आपको पान लेने हैं तो आपको नया बांस आना पड़ेगा जो पान की मंडी है, इसी को पान की मंडी कहा जाता है। तो एक ये कन्फ्यूज़न जो है लोगों को रहती है कि अगर वो पान खरीदना चाहते हैं और पान मंडी कहते हैं तो रिक्शे वाला उनको सदर बाज़ार ले जाता है जहाँ से उनको मायूस होकर के लौटना पड़ता है क्योंकि पान वहाँ पर नहीं बिकते। तो आपको एक जानकारी ये देना चाह रहे हैं कि पान जो है वो नया बांस में मिलते हैं और खारी बावली मार्केट के ही इलाके में ये इलाका आता है। आज मार्केट टाइम टीवी की टीम पहुंची है राजधानी के नया बाजार में जहां पान के पत्तों का बड़ा व्यापार होता है। आपको सबसे पहले बताते चलें कि पान का व्यापार करने वाले अक्सर पान मंडी का पता पूछते हुए सदर बाजार पहुँच जाते हैं। इसकी वजह यही है कि सदर बाजार में पान मंडी के नाम से सिर्फ जगह है, वहाँ पान नहीं मिलते, न ही कोई पान का व्यापारी मिलता है। आपको बताते चलें अगर आपको पान खरीदने हैं तो आपको नया बाजार आना पड़ेगा, यही पान का व्यापार किया जाता है। हमारी टीम आज इसी बाजार में पहुंची है। पान का कारोबार करने वाली व्यापारी ने हमें बताया कि इस बाजार में पान की कई किस्म आती हैं। यहाँ कई प्रकार के पान का कारोबार किया जाता है, जैसे जगन्नाथी पान, बनारसी पान, देसी पान, बांग्ला पान, बनारसी पान सादा। व्यापारियों की माने तो जगन्नाथी पान की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। माना जाता है कि यह दूसरे पान से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ बिक्री की बात करें तो किस पान की बिक्री ज़्यादा होती है तो उसमें बनारसी पान की बिक्री ज़्यादा होती है। बनारसी पान बंगाल से आता है, जगन्नाथी पान ओडिशा से आता है। मई माह से लेकर अगस्त महीने तक पान के पत्ते खराब होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। इसके दो कारण हैं, पहला अधिक तापमान और बरसात। इन दिनों में इनके सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता होती है। पान के बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए व्यापारियों ने हमें बताया कि पान के पत्ते को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पेड़ से टूटने के बाद तकरीबन 10 दिन ये किसान के पास रहता है और 3 से 4 दिन इसको बाजार तक पहुंचने में लग जाते हैं। इसके बाद इसकी खरीदारी और बिक्री होती है। व्यापारियों से हमने बाजार में इसकी खपत के बारे में जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले यह कम हुई है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पहले हफ्ते में 4 से 5 दिन माल आता था जिसमें करीब 15,000 टोकरी आती थी। आज के समय हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही माल आता है, सोमवार और वीरवार, जिसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार टोकरी ही कारोबार के लिए पहुंच पाती हैं। भाव की बात करें तो रोज का नया भाव होता है। एक डोली के हिसाब से इसकी बिक्री होती है और एक डोली में तकरीबन 150 से 160 पान के पत्ते होते हैं, जिसमें एक पान के पत्ते की कीमत 1 रुपये से लेकर 1.25 रुपये तक होती है। इसी हिसाब से यह पूरा कारोबार चलता है। आपको साथ ही बताते चलें इस बाजार में पूरी दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तक के लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और इस बाजार में आते ही पूरी राजधानी दिल्ली में यही एकमात्र पान की बड़ी और थोक मार्केट है। जो मार्केट एसोसिएशन के लोग थे और जो एक थोक व्यापारी हैं उन्होंने भी तफसीर से और जानकारी विस्तार से बताया कि पान की जो लाइफ है या खाने योग्य वो रहता है तो 10 से 12 दिन उसको लगते हैं। 10 से 12 दिन में पान ख़राब हो जाता है क्योंकि जैसे बाहर से पान आता है, दूसरी जगहों से, बंगाल से आता है, उड़ीसा से आता है, जिन जगहों से बताया वहाँ से पान आने में भी समय लगता है। तो अगर पान खाने की जो योग्यता रहती है, पान जब तक मतलब खाने योग्य रहता है तो 10 से 15 दिन का उसका समय रहता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और इस पूरी वीडियो पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।